नमोस्तु चर श्री निखिल जैन दमोह से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो अंतरिक्ष खोजा है, क्या उसका कोई अंत है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। वर्तमान के जो वैज्ञानिक गण हैं, वो जितना भी खोजते हैं वो पूर्ण नहीं खोज सकते, क्योंकि पूर्ण तो ज्ञान का विषय बनता है, केवल ज्ञान का विषय बनता है। केवल ज्ञानी ही पूर्ण जो है जान सकते हैं। हम जैसे मनुष्य क्षयोषमधारी जो हैं, वह इसको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। विज्ञान कितना भी आविष्कार करे नई नई चीज़ों का और कितना भी खोज करे, वो अंतरिक्ष का या सूर्यमंडल, चंद्रमंडल आदि जितने भी हैं उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो पता नहीं कर सकते हैं कि कितना विस्तार है इसका। सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में पूर्ण ज्ञान अभी तो खोज ही खोज चलती जा रही है, और इनकी खोज जो है अनंत काल तक भी चलती रहेगी मशीनों के माध्यम से, तब भी ये पूर्ण खोज नहीं कर पाएंगे। पूर्ण खोज तो आत्मज्ञानी ही कर पाते हैं। जिनके ज्ञान में सारा ब्रह्मांड झलकता है, दिखता है, वही पूर्ण खोजी होते हैं। तो वैज्ञानिकों की खोज जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती। नमोस्तु चर श्री विमल कुमार जैन साहेगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं कि दीपावली और दिवाली में क्या अंतर है गुरुदेव, कृपया समाधान करें। दिवाली और दीपावली, देख लीजिए, दीपावली को ही दिवाली कहते हैं। दीपावली जो शब्द है वो हम उसे संस्कृत में दीप आवली, दीपक की जो आवली पंक्तियाँ हैं उसे दीपावली। हरिवंश पुराण में भी आचार्य भगवान जिन सेन स्वामी ने दीपावली लिखा है संस्कृत में, और उसी का ही प्राकृत भाषा में दीपावली का दिवाली रूप शॉर्ट नाम हो गया। पो वा सूत्र आता है प्राकृत में, पाका वा होकर के, और इस प्रकार से शॉर्ट नाम बन गया दिवाली। ठीक है ना, वो प्राकृत भाषा में अपन को लेना है। अपन इस भाषा में भी ले सकते हैं कि भैया कर्मों का दिवाला निकाल दिया इसलिए दिवाली, और उसकी खुशी में चारों तरफ प्रकाश देवों ने किया इसलिए दीपावली। सच्ची दीपावली देखी जाए जैनों की, वो प्रातः काल है, जो प्रत्युष काल है, जिस समय भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ उस समय ही निर्वाण के समय देवों ने पूरे आभा मंडल, आकाश मंडल में दीपों की आवली जला दी, पूरा प्रकाशमय कर दिया। और वहाँ पर उपस्थित होकर के लिच्छवी संघ, जो जनपद के बड़े बड़े जनपद के महामंत्री आदि थे, उन सभी लोगों ने भी आकर के दीपोत्सव मनाया। और शाम को केवल ज्ञान हो गया हमारे गौतम स्वामी को, इसलिए उन्होंने सुबह उत्सव मनाया तो कहा कि अब शाम को भी उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार से सुबह भी रात्रिकालीन में और शाम को भी रात्रिकालीन में, प्रभात की बेला में, मतलब दिन नहीं हो पाया उस समय, और शाम को गोधूलि बेला के बाद जो है उस समय केवल ज्ञान गौतम स्वामी को हुआ। तो अपन उसको दिवाली और दीपावली कोई अलग अलग नहीं है, एक संस्कृत भाषा में है और एक उसी का ही प्राकृत भाषा बना हुआ दिवाली शब्द है। नमोस्तु चर श्री शरद राज जी कासलीवाल, जो कि रत्नोत्तर जैन मंदिर द्वारका के प्रधान हैं, वो आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं कि अभी दिवाली में चतुर्दशी का क्षय हो चुका है, तो हम दिवाली 13 को मनाएं या अमावस्या को मनाएं, हम मंदिर में निर्माण लाड़ू कब चढ़ाएं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। कार्तिक कृष्णा के पक्ष में एक तिथि बड़ी छठ की, तो एक तिथि फिर चौदस की घटी, चतुर्दशी का क्षय हो रहा है। तो चतुर्दशी का क्षय होगा तो निश्चित ही जो 4 तारीख को जो अमावस्या का समय रहेगा, उस समय ही भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महामहोत्सव मनाया जाएगा। अतः हमें 4 तारीख को ही भगवान महावीर स्वामी का निर्माण मनाना है। ये तो आपको ज्ञात ही है कि निर्माण के पहले भगवान महावीर स्वामी योग निरोध में बैठे थे, तो वो 13 का दिन था। अब 13 का दिन लगाते हैं और चतुर्दशी का क्षय होता है, तो सिर्फ एक ही दिन बचता है हमारे लिए ध्यान के लिए। इसलिए अपन
वो छः को छः तो माने, लेकिन अपन को 2 दिन ध्यान करना है पहले, निर्माण के पहले। अथा 2 तारीख से अपन को जाप करना है, ध्यान करना है और मंत्रों का आराधना करना है। 3 दिन तक लगातार आप मंत्र आराधना कीजिए, ध्यान कीजिए। जैसे महावीर स्वामी सब कुछ छोड़ छाड़ करके ध्यानस्थ हो गए, समोषण का विसर्जन हो गया, ऐसे हमको 2 दिन पहले अर्थात 2 तारीख, 3 तारीख और जो 4 तारीख की प्रातः काल वेला तक हम साधना रत रहें इन 3 दिनों तक, और इन 3 दिनों का हम आत्म लाभ प्राप्त करें। 4 तारीख को प्रातः काल की वेला, प्रातः काल में भी कौन सा, प्रत्युष काल, प्रभाती काल, अभी दिन हुआ नहीं है और रात्रि समाप्त होने वाली है, ऐसे काल में हम सर्वप्रथम भगवान का अभिषेक करें और निर्वाण लाड़ू महोत्सव मनाएं। हम जब बाहर निकलें तो हमें प्रभात दिखाई दे, रात दिखाई दे, दिन दिखाई दे, ठीक है ना। प्रवेश मंदिर में हो तो रात में, और जब बाहर निकलें तो दिन दिखाई दे, ऐसा समय होना चाहिए। उस समय ही हम निर्वाण लाड़ू महोत्सव मनाएंगे, ऐसा आगम संबत है, क्योंकि इस समय जिस समय निर्वाण हुआ है उसी में ही खुशी मनाने में जो आनंद है, कोई विकल्प नहीं करना कि रात को कैसे अभिषेक होगा, रात को कैसे लाड़ू चढ़ेगा। एक दिन के लिए अपने कोई सिद्धांत नहीं लगाना, अपना दिमाग एक तरफ उठा के रख देना और भगवान की भक्ति करना, बहुत महोत्सव मनाना, ठीक है। नमोस्तु चर्चरी, श्रीमती सुमन जैन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। संक्रमण एवं विसंयोजना क्या है, कृपया समाधान करें। विसंयोजना और संक्रमण ये कर्णन ग्रंथ में हमें बहुत पढ़ने को मिलेगा। विसंयोजना जो है वो मात्र चारित्र मोहिनी कर्मी की प्रगति में होता है, लेकिन जो संक्रमण है वो अन्य कर्म की प्रगतियों में भी होता है, लेकिन विसंयोजना सिर्फ चारित्र मोहिनी कर्मी की प्रगति में होता है। विसंयोजना का मतलब होता है कि जो अपनी ही जाति में अपनी प्रगति को अन्य प्रगति रूप कर देना परिणामों के निमित्त से, वह विसंयोजना कहलाती है। जैसे अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ चारित्र मोहिनी की प्रगति है, और वह अपना परिणमन जो है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन रूप कर दे तो वह विसंयोजना कहलाया करती है। और संक्रमण में भी इसी प्रकार ही होता है, मूल प्रगति में संक्रमण नहीं होता है, उत्तर प्रगतियों में संक्रमण होता है, और उसके भी बहुत सारे भेद हैं, स्वसंक्रमण, पर संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण, विघात संक्रमण, फाली संक्रमण और कांडक संक्रमण, ऐसे बहुत सारे संक्रमण के भेद मिलते हैं। जो आयु कर्म को छोड़ करके समस्त कर्मों में इसका कार्य संक्रमण का देखा जाता है। जैसे अपन उद्वेलना संक्रमण लें, मिथ्यात कर्म प्रगति की 3 भेद, मिथ्यात, सम्यक प्रगति और सम्यक मिथ्यात, ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रगति में 3 भेद हो जाते हैं, मिथ्यात के 3 टुकड़े होकर के। और मिथ्या दृष्टि के पास सत्ता में अभी सम्यक प्रगति भी है और सम्यक मिथ्यात प्रगति भी है, मान लो, ठीक है, जैसे सम्यक दर्शन चुत होकर जो मिथ्या दृष्टि बना है उसके सत्ता में, और पल्लक का असंख्यात भाग आदि बीत जाने के बाद जो वो सम्यक मिथ्यात प्रगति है, वह जो सम्यक प्रगति है वो समय मिथ्यात प्रगति रूप उद्वेलना होकर के संकर्ण में हो गया, और उसके बाद समय मिथ्यात प्रगति जो है वो मिथ्यात प्रगति में जाकर के उसकी उद्वेलना हो गई। तो इस प्रकार अपने 100 जाति की प्रगति में ही उसका संक्रमण जो हो जाता है, ये इस प्रकार से इसको ऐसा अपन को समझना है।